तो दोस्तों फाइनली BGMI के अंदर आज बहुत सारे इवेंट्स आ चुके हैं जिसके अंदर से आप लोगों को बहुत सारे लिटरली बहुत सारे आप लोगों को चैलेंज टोकन्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। साथ में आप लोगों का BGMI के अंदर आज न्यू सप्लाई क्रेट आ चुका है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका है, लिटरली बहुत ही बड़ा। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग सप्लाई क्रेट को ओपन करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से एक बार देख लो, एंड अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड यहाँ पर ओपन करने वाला है उसको इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दो, ताकि वो ओपन करने से पहले इस चीज़ को पहले पता लगा लें, उसके बाद यहाँ पर जो सप्लाई क्रेट है उसको ओपन करें। तो चलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट बता देता हूँ, उसके बाद सप्लाई क्रेट का जो स्कैम हुआ है वो बता देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इवेंट सेक्शन के अंदर आ जाना, आने के बाद देखना कि ड्रैगन बॉल सुपर होइपोई कैप्सूल करके आप लोगों का कुछ यहाँ पर एक इवेंट आया, जहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड यूज़ द होइपोई कैप्सूल वंस पर डे। तो यहाँ पर आप लोगों को होइपोई कैप्सूल आप लोगों को डेली के डेली एक बार यूज़ करना है। जैसे ही आप लोग एक बार यूज़ करोगे तो 20 चैलेंज टोकन्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब होइपोई कैप्सूल क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर आप लोग ड्रैगन बॉल का जो एक्सक्लूसिव मोड आया है उसको अगर आप लोगों ने खेला होगा तो वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर वो जो फ्लाइंग टाइप का जो गाड़ी है ना, जो आप लोग का ड्रैगन बॉल एक्सक्लूसिव गाड़ी है, तो वही है आप लोग का होइपोई कार बोल सकते हो। तो उसके पास जब आप लोग जाओगे तो वो आप लोगों का पिकअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लोग पिकअप कर लोगे वो आप लोग का कैप्सूल में कन्वर्ट होकर आप लोग का बैग के अंदर आ जाएगा, एंड उसी कैप्सूल को आप लोग स्मोक ग्रेनेड जहाँ से करते हो ना वहाँ पर क्लिक करके अगर थ्रो करोगे तो फिर आप लोग का जो होइपोई कैप्सूल आप लोगों का गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वो आप लोग का जो होइपोई कैप्सूल है वो आप लोग का यूज़ हो जाएगा। एंड उसी गाड़ी के ऊपर आप लोग ड्राइव करके थोड़ा सा एक बार दो बार यहाँ पर से उधर चले जाना, आप लोग का एक डे आप लोग का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड इवेंट के अंदर बोला गया है कि इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड रीच टॉप वन वंस पर डे, इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड रीच टॉप वन 3 times पर डे। मतलब आप लोग का बोला गया है कि 3 बार अगर आप लोग यहाँ पर टोटल चिकन डिनर करते हो इस मोड के अंदर तो फिर आप लोग को डेली के डेली यहाँ पर जो है 150 करके चैलेंज टोकन्स मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड इवेंट के अंदर बोला गया है कि फिनिश 10 enemies इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड, फिर 20 enemies इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड, एंड 30 enemies इन ड्रैगन बॉल सुपर थीम मोड। अगर आप लोग ये करते हो तो फिर आप लोगों का यहाँ पर जो है ये आप लोगों का 1 time event है, तो यहाँ पर से आप लोगों को टोटल 750 जो है चैलेंज टोकन्स आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 1 time है, ये आप लोगों का डेली के डेली नहीं होगा, ठीक है। फिर से एक लॉगिन इवेंट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डेली के डेली आप लॉगिन करोगे तो फिर आप लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा। साथ में जो बीरस का एक्सक्लूसिव टाइप का जो आउटफिट है वो भी आप लोगों को 10 दिन के लिए यहाँ पर पहनने के लिए मौका मिलेगा, तो वो भी आप लोग लॉगिन करके यहाँ से कलेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर सप्लाई किट के अंदर क्या स्कैम हुआ है। तो देखो दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि सप्लाई किट के अंदर अगर आप लोगों का 100% लक हो जाता था ना, तो 100% के बाद आप लोग जो क्रेट ओपन करते थे तो आप लोगों को एक लेजेंडरी चीज़ जो है यहाँ पर कन्फर्म मिल जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों का जो है 100% रीसेट होकर 0 हो जाता था। लेकिन इस बार को जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ओपन क्रेट्स टू इंक्रीज लक फॉर अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग एपिक एंड लेजेंडरी आइटम। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आप लोग जो लक आप लोग इंक्रीज करोगे ना, उसके बाद आप लोग का एपिक एंड लेजेंडरी कोई भी आप लोगों को मिल सकता है। मतलब पहले सिर्फ लेजेंडरी ही मिलता था, लेजेंडरी के अंदर से ही आप लोग को कुछ मिल जाता था अगर 100% हो जाता था तो। लेकिन यहाँ पर आप लोग का बोला गया है कि आप लोग को लेजेंडरी नहीं एपिक भी मिल सकता है। लिटरली ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। एंड एपिक और लेजेंडरी आइटम इज गारंटेड व्हेन यू हैव 100% लक। यहाँ पर देखो साफ साफ बोला गया है कि 100% लक अगर आप लोग का हो जाता है तो फिर आप लोग को लेजेंडरी भी मिल सकता है एंड एपिक भी मिल सकता है। एंड एपिक के अंदर क्या क्या रिवॉर्ड्स है आप लोग देख ही सकते हो, कितना घटिया घटिया रिवॉर्ड्स है। एंड आप लोग यहाँ पर क्रेट ओपन करोगे, एंड आप लोग यहाँ पर जब हर एक बार क्रेट ओपन करोगे ना तो एक क्रेट से मे भी आप लोग का 3% इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड जैसे ही आप लोग क्रेट्स ओपन करोगे एंड एक बार अगर एक एपिक आइटम आप लोग को मिल जाता है, लेजेंडरी नहीं मिलता है, एक आप लोग का एपिक आइटम परमानेंट वाला मिल जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिसेट होकर 0 हो जाएगा। मतलब आप लोग का लेजेंडरी मिलने का जो चांस है बहुत ही ज़्यादा घट चुका है सप्लाई किट में से। तो लिटरली ये बहुत ही बड़ा स्कैम यहाँ पर BGMI के अंदर हो चुका है। बाकी आप लोगों ने सप्लाई किट को ओपन किए हो कि नहीं जरूर कमेंट बताना, एंड कितने क्रेट पर क्या मिला जरूर कमेंट बताना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही देखते हैं, मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।